अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हज़र जमील है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चरर प्रिपरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज जो स्कूल लीडर टेस्ट था फेज़ टू का, उसका हमने पहला वीडियो अपलोड किया था और ये पार्ट टू है। तो वीडियो को टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, व्हाट आर द की करेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो करेक्टर असेसमेंट के की करेक्टरिस्टिक खसूसियात क्या हैं। इट इज़ डन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। इट इज़ ओनली अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी। इट प्रोवाइड्स मॉडल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबाव। तो स्टूडेंट, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑल ऑफ द अबाव है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी यूज्ड एट लेवल KG, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है ये KG लेवल पर हम कुड नॉट बी यूज एट KG लेवल। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रेप्स मिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्रेप्स मिशन के फेल होने के बाद बर्तानिया की सल्तनत बर्तानिया ने सेंट अ मिशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट टू सर्च फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। 2673। तो ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट, 3 मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट ने भेजे थे सॉल्यूशन के लिए, इंडियन प्रॉब्लम के मामला को देखने के लिए 3 मेंबर। आफ्टर द फेलियर क्रिप्स मिशन के नाकाम होने के बाद सल्तनत बरतानिया ने कितने मेंबर भेजे थे स्टूडेंट? 3 मेंबर भेजे थे। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इन ऑर्डर टू मेक अवेयर द इंडियंस ऑफ द मॉडर्न साइंस, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 1857। In 1857, universities were established in Madras, Calcutta, and तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर बी जो है, ऑप्शन बी, बम्बे। बम्बई जो है उसमें उसने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए थे। इन ऑर्डर टू मेक अवेयर ऑफ द इंडियंस ऑफ द मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस के बारे में जानने के लिए बरतानिया सल्तनत बरतानिया ने 1857 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए थे, मीन यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई थी वो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में बनाई थी। तो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, गाइटर इज़ ए डिजीज इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक एनलार्जेस एंड रिजल्टिंग स्वेलिंग इन द नेक। गाइटर इज प्रोटीन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन, PEM, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, MDD, ओवरटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, OIN, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट गाइटर जो है ये आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। यहाँ नेक पर जो आपका जो नेक है यहाँ पर एक एनलार्जमेंट आ जाती है, ये थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट, इसको थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट कहते हैं और ये आयोडीन की डिफिशेंसी की वजह से होता है। और आपको पता है कि आयोडीन एक मिनरल है। तो ऑप्शन बी जो है मिनरल डिफिशेंसी डिजीज़, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर नॉट परमानेंटली अटैच टू एंजाइम एंड मोस्टली डिराइव फ्रॉम विटामिन्स आर प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर। तो इसमें स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल, NI, निकल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, शुगर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टू माई डिलाइट एवरी वन अराइव्ड ऑन टाइम। आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इन दी सेंटेंस। ऑप्शन ए है माई, ऑप्शन बी है डिलाइट, ऑप्शन सी है एवरी वन। स्टूडेंट ये ऑप्शन सी जो है वो
चूँकि फॉर्म में इस तरफ फॉर्म में आया, तो ऑप्शन सी मैं आपको बता देता हूँ एवरीवन है, और ऑप्शन डी जो है वो अराइव्ड है। तो स्टूडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो डिलाइट है। इस सेंटेंस में डिलाइट जो है वो इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिलाइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आई वॉज वेरी टायर्ड, खाली जगह, आई कुड नॉट जॉइन देम, चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइस, ये फॉलोइंग जो हैं ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइस हैं, मीन वाइल, फर्दर मोर, फॉर एग्जाम्पल, कंसिक्वेंटली। इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो हैं ये ऑप्शन डी है, कंसिक्वेंटली। आई वॉज वेरी टायर्ड, कंसिक्वेंटली आई कुड नॉट जॉइन देम, मैं बहुत थका हुआ था इस वजह से मैं उन्हें ज्वाइन ना कर सका। ऑप्शन डी जो है कंसिक्वेंटली इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज टू कट ऑफ द हेड इज। टू कट ऑफ द हेड का मतलब क्या है, इसमें से बताइए। डुअल, विक्टम, डिसिपिटेट, पैट्रियाटिज्म। तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, डिसिपिटेट जो है वो इसका करेक्ट राइट सब्स्टिट्यूट है इसमें। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड मटेरियल, मटेरियल। तो इसमें अगर आप इसको डिवाइड कर दें इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में, मटेरियल, तो फोर जो हैं वो इसमें पार्ट्स हैं, तो इस तरह इसमें फोर सिलेबल हो गए। फर्स्ट ऑप्शन है फोर, सेकंड है बी, और थर्ड जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो थ्री है, और फोर्थ है टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो फोर है। अगर आप मटेरियल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में तकसीम कर ले इसको मटेरियल को, तो आपको फोर सिलेबल इसमें नज़र आएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने गलत किया था, और इसको हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। व्हेन एंड हुम पुट द मैटर ऑफ पाकिस्तानी इंटरफेरेंस इन कश्मीर एट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ब्रिटेन ऑन जनवरी 1, 1948, अफगानिस्तान ऑन जनवरी 1, 1948, इंडिया ऑन जनवरी 1, 1948, यूएसए ऑन जनवरी 4, 1948। इसमें हमने यूएसए लगाया था, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इंडिया ऑन जनवरी 1, 1948। इंडिया ने ख़ुद ये मामला यूनाइटेड नेशन में उठाया था, और उस वक्त जो वज़ीर आज़म था, प्राइम मिनिस्टर था उसका, वो नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू जो था वो उस वक्त उसका प्राइम मिनिस्टर था। और इंडिया ने ये मामला खुद यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल हैं उसमें ये मामला उठाया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 3x इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 3 की पावर 8 जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये पार्ट 2 था। इससे पहले हमने फेज 2 का जो स्कूल लीडर टेस्ट था उसका पार्ट 1 भी अपलोड किया था। जितनी भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम इस टेस्ट को एक वीडियो में, एक लेक्चर में सारा अपलोड कर देंगे, फुल वीडियो अपलोड करेंगे। तो तमाम तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।